शाजापुर जिले के मोहन बड़ोदिया जनपद पंचायत अंतर्गत लगने वाले गांव खेड़ा बद में सीसी रोड निर्माण के पैसे लेने के लिए रची गई अपहरण साजिश और आरोपी के मंसूबे पर सलसलाई पुलिस ने पानी फेर दिया। पुलिस ने मैच 5 घंटे में मामले का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को हिरासत में भी ले लिया। जानकारी के अनुसार सलसलाई थाना अंतर्गत ग्राम खेड़ावत के सरपंच किशोर सिंह पिता सेवराम मालवी जब गांव के एक किराना दुकान से सामान खरीदने गए, उसी समय कमिल पिता प्रहलाद सिंह जाटव भी अपनी मोटरसाइकिल से आया और टेलीफोन कर 3-4 लोगों को बुला लिया जो सफेद टवेरा में आए और सरपंच को उसमें बैठा लिया। इन लोगों ने उनकी आंख और मुंह बंद कर दिया। ये लोग सरपंच किशोर सिंह को राजगढ़ जिले के तलेन थाना अंतर्गत ग्राम अमलार में के जंगल में ले गए और गाड़ी से बाहर निकालकर इन लोगों ने सरपंच के साथ मारपीट की और कहा कि 4,60,000 रुपए लाकर दे, उसके बाद ही तुझे छोड़ेंगे। गनीमत रही कि सरपंच को टवेरा में बैठाते हुए सरपंच के पुत्र ओम प्रकाश पिता किशोर सिंह मालवी ने देख लिया। इसके बाद उसने मामले की सूचना डायल 100 को देते हुए बताया कि पिता को ठेकेदार प्रहलाद सिंह लेकर गया। इस पर डायल 100 ने साइबर सेल की सहायता से गाड़ी के नंबर और मोबाइल लोकेशन का पता लगाया और उसके पीछे चल दिया। मामले की सूचना थाना प्रभारी SP राघव को मिली, जिसे उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारी को भी दी। उसके निर्देशन में सरपंच की तलाश में निकल गए और घटना स्थल पहुंच गए, जहां से वे सरपंच को भी छुड़ा कर लाए। वही आरोपी प्रहलाद पिता नारायण सिंह, वाहन चालक गोपाल पिता हरि सिंह, ठेकेदार के पुत्र कपिल पिता प्रहलाद को गिरफ्तार कर लिया। मैं मेरे घर के सामने किराने की दुकान पर सामान लेने गया था। मैं सामने सवाल पीछे जाके अपने गाड़ी में बिठा लिया और मेरे हाथ मुँह और नाक सभी डांट दिए और कहाँ ले गए मुझे पता नहीं। फिर इसके बाद में अमलाल ले गया मुझे, कुएं पे ले गए, 3-4 कुएं पे भी ले गया। वहाँ मेरे साथ में इन्होंने मारपीट भी करी क्या, और ये दोष धमकी भी दी कि तेरे पूरे परिवार को निपटा भी देंगे हम, लेकिन तू पैसे नहीं देगा तो। और ये पैसे की बात है, कम से कम 3.5 वर्ष पूर्व मैंने इनसे काम करा दिया। मेरे पास पंचायत में बिल भी रखे, इनको मंत्री जी ने समझा दिया कि आपके पैसे नहीं देने। इनने मुझे क्या है, मेरा ये पुता वगैरह होती मैं अभी जी आपके साथ मारपीट करी। कितने लोग थे ये जिनके द्वारा आपके साथ मारपीट की गई? इनके सभी के मुंह मारपीट करी, सभी के मुंह बंधे हुए थे, किसी को ना किसी को। लगभग कितने आदमी थे ये? 5-6 आदमी करीब। जैसे आज से 3 साल पहले मेरे यहाँ सीसी रोड का काम किया था, कई हमने बाउचर वगैरह जो इनने बिल दिए उनके सबके उसमें पैसे डाल दिए क्या, और हमारी पंचायत में मंत्री जी के पास बिल वगैरह बाउचर वगैरह सब रखे। और मैंने इनसे बोला कि साल भर तक मेरे नगर के सीसी रोड करने में आए, पुलिस को सूचना मेरे गांव के दीपक करके है, मेरा भाई का लड़का, उसने मेरे साथ घर के सामने मोबाइल चल रही उसको कहा, उसने 100 नंबर को मोबाइल करके गाड़ी भेजी। फिर प्रहलाद सिंह को पहचानता हूँ मैं, और इसके बाद इसका बच्चा आया था मोटरसाइकिल पीछे, और बाकी उनको सबके मुंह बंद थे, इसका मुंह बंद था। ये क्या हुआ कि आज दिन के करीब 10-11 बजे हरियाणी ओम प्रकाश पिता किशोर मालवी की उम्र करीब 25 वर्ष से खेड़ावत के रहने वाले हैं। इनके पिता वर्तमान में ग्राम पंचायत खेड़ावत के सरपंच हैं। उसके बताया कि सुबह करीब 10:45 बजे इनके पिताजी बालकृष्ण विश्वकर्मा कराने की दुकान में वहाँ पर खड़े थे। इस बीच यहाँ पर एक कपिल जाटव हमला गांव के रहने वाले थाना तले के, ये अपनी मोटरसाइकिल से वहाँ पर आए थे। उन्होंने करीब 4-5 मिनट बाद एक फ़ोन किया, उनके फ़ोन के आधार पर एक टवेरा गाड़ी आई सफ़ेद रंग की, जिसमें से 4-5 व्यक्ति उतरे और उन्होंने इनके उत्तरका से पिताजी किशोर मानी को जबरदस्त लिया उस गाड़ी में और टवेरा बंद करके उसको लेके भाग गए। इस बीच कपिल भी अपनी मोटरसाइकिल से टवेरा के पीछे भाग गया। इसकी रिपोर्ट पे से थाने पे 363 और 34 ITC का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। सूचना पाते ही हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय श्री डॉक्टर श्रीवास्तव साहब को हमने हालात आज किए, उनके निरंतर मार्गदर्शन में एडिशनल SP श्री प्रजापति साहब, DSP बैठा, उनके भी सहयोग से निरंतर साइबर सेल प्रभारी मुकाति एवं उनकी टीम के सहयोग से टावर लोकेशन और कॉल डिटेल्स के आधार पर हमने ग्राम बावड़ी खेड़ा में पहुँचकर अपहरण में किए गए टवेरा वाहन को हमारे ड्राइवर के गिरफ्तार किया। इसकी एक निशादेही से हमने मायापुर और बावड़ी खेड़ के बीच में एक खेत में से भागते हुए 2 आरोपी प्रहलाद सिंह और जो इसका ये अपहरण सरपंच का किया गया किशोर मामले में हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, DSP साहब और साहब साइबर सेल का विशेष मूल्य की गिरफ्तार का उनके सहयोग से
हमारी टीम ने सफलता। आरोपी अभी पुलिस हिरासत में लिए गए हैं, जिनसे हमारी साक्ष्यों के आधार पर पूछताछ जारी रहेगी। कल विवेचना में है, जिनसे किन किन लोगों की बातचीत हुई है, इसमें जो भी संदिग्ध लोग होंगे उनको साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तार दस्तावेजी गिरफ्तार किया जाएगा और अभी प्रकरण विवेचना में है। इसकी अभी तक की जो प्रारंभिक जो हमने जाँच की है उसके आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि 3 साल पहले इन्होंने ठेकेदार कपिल ने ग्राम पंचायत खेड़ा में कंक्रीट का कुछ कार्य किया था, वो उसका शायद 3-3.5 लाख रुपए का कुछ लेन देन था उनका सरपंच से। तो अभी इस चीज़ की तस्दीक की जा रही है कि इसमें कितनी सत्ता है। शाहजहाँपुर से दिलीप स्वराज की रिपोर्ट।